ये हुई भाई कंप्लीट। ये देख रहे हो ये सब कैरेट GST मार्के वाली। अभी 2 घंटे में यहाँ से हो जाएगी कंप्लीट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज हम हैं भाई औरंगाबाद में, और यहाँ पे गाड़ी अपन ने लगा रखी है भाई लोडिंग पॉइंट पे। आज दूसरी जगह आया, जिस चक्कर पिछले चक्कर जहाँ से लोड की थी उसके मतलब थोड़ा आगे 5-6 किलोमीटर। तो अभी अपनी गाड़ी यहाँ से होगी कंप्लीट लोडिंग, और भाई वही अपनी केशवपुर मंडी रहने वाली है टमाटर की, वही 660 कैरेट, मतलब 660 कैरेट। और काफ़ी भाइयों ने कमेंट कर रहा था भाई कि भाड़ा क्या लगा क्या नहीं लगा। तो भाई अपना 1,18,000 रुपये में फिक्स है अपनी गाड़ी, मतलब उधर से खाली और इधर से 660 कैरेट। तो ऐसे करके अपनी गाड़ी का फिक्स है भाई 1,18,000। तो वो चीज़ मैं आपको आगे बता दूंगा कि कितनी अपनी बचत है, क्या खर्चा है, क्या नहीं है, उस पर अलग से वो लोग बना के। सो अभी तो अपनी गाड़ी की लोडिंग यहाँ पे होगी, और आज भाई काफ़ी टाइम के बाद में अपनी गाड़ी में बन रहा है खाना, और इधर बैठे हैं अपने नरेश भैया। देखो आटा वाटा लगा के कंप्लीट है। तो भाई आज गाड़ी में बन रहा है दाल और रोटी, वो भी नरेश भाई के हाथों से, काफ़ी टेस्टी बनाता है। भाई जब जॉनी लीवर अगर नहीं होता तो ये फिल्मों में जरूर होता। ये तो इसकी थोड़ी किस्मत खराब थी उस टाइम में, है नरेश, नहीं तो ये ट्राई करता फिल्मों में। तो बने रहना दोस्तों पूरे ब्लॉग में, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना भाई दबा के। तो अभी आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। और भाई बारिश ना 2 दिन से यहाँ पे इतनी हुई थी कि बुरा हाल है। यहाँ पे गाड़ी लेके आए हैं हम कच्चे रास्ते से, अभी चलेंगे तब आपको दिखाएंगे। बाकी मैं थोड़ा यहाँ से दिखा देता हूँ आपको कितना क्या मतलब यहाँ पे हुआ है बारिश की वजह से। तो दोस्तों ये देखो भाई बारिश से यहाँ पे क्या हालत हो रखी है, देख रहे हो पूरा कीचड़। हमने गाड़ी वहाँ से बैक लगाई, यहाँ पे स्लिप मारते हुए गाड़ी का बुरा हाल हो गया। तो ये देखो भाई ट्रैक्टर वगैरह लगे हैं, अभी आने लगा है टमाटर। और भाई ये कोई गांव में रास्ता जाता है, मतलब कच्चा रास्ता है, उसी से आए हैं हम हाईवे से तकरीबन 2 किलोमीटर, और ऐसा रास्ता है उस पर इतनी फिसलन हो रही है। ये शुक्र है कल रात से यहाँ पर बारिश नहीं है, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी लेके आना बहुत ही मुश्किल था। और गाइस ये हमने पिछले चक्कर लिए थे गन्ने शंभूपुरा से, जो मिलने आया था पप्पू भाई वो लेके आया था। तो आज गाड़ी में भाई बनाया हमने, देखो पूरा सामान बाहर डाल के रखा है, और नरेश भाई बना रहा है रोटी। ये अपना छोटा सा रसोई घर। ओ भैया किसका आ गया भैया, और देखो टमाटर हम खेत से लेके आए हैं ताज़ा ताज़ा। और अपने नरेश भैया का कॉल आ गया अभी। हेलो। सो दोस्तों देख लो इस वाले रास्ते से आए थे भाई हम, और भाई यहाँ पे आपको टमाटर की खेती का मैं दिखाऊं नज़ारा। सो भाई खेती देख लो, ये देख रहे हो भाई खेती बड़ी शानदार तरीके से यहाँ पे होती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। और भाई अपनी गाड़ी हो गई फाइनली लोडिंग स्टार्ट। सो ये लगी अपनी गाड़ी, वो उधर भाई की लगी है, एक मेवात की गाड़ी है RJ02 अलवर पासिंग, वो आज़ादपुर के लिए, अपनी भाई केशवपुर मंडी के लिए। और भाई इस खेत से लेके आ रहे हैं टमाटर, ये देख लो गाइज टमाटर का साइज वगैरह, भाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टमाटर लग रहा है मेरे को तो, लेकिन है देसी भाई, हाइब्रिड नहीं है।
ये चेक करो। ये देखो तो, ये देखो अपनी गाड़ी की लोडिंग हो गई स्टार्ट। भी पीछे चल के दिखाते हैं आपको। ये हुई भाई कंप्लीट। ये देख रहे हो ये सब कैरेट GSC मार्के वाली। अभी 2 घंटे में यहाँ से हो जाएगी कंप्लीट। और ये हमारे सेठ जी जो लोडिंग करवाते हैं यहाँ से। क्या नाम है सेठ जी? पवन कुमार जी। दोस्तों ये हो गई भाई अपनी गाड़ी कंप्लीट भाई। टमाटर फ्लाइट रेडी टेक ऑफ के लिए। और ये नरेश भैया, तो भाई यहाँ पे ना लाइट सुविधा थोड़ी कम है भाई। तो ये और बची हैं अपने वाली। हाँ पूरी पब्लिक देख लिए। 660 से ज्यादा ना हो, 660 करे। तो भाई लोग ले के जा रहे हैं गणपति बब्बा को। भाई गणपति स्थापना होने वाली है, कब है अभी डेट पता नहीं है, लेकिन देखो गणपति बब्बा मोरिया। तो गाइज अपनी गाड़ी हो गए लोडिंग और आ गए भाई हाईवे पे। तो अभी यहाँ पे चाय वगैरह पी के निकलेंगे। तो भाई अपनी मंडी कल रात की रहने वाली है, वो सुबह सुबह की। तो आज थोड़ा टाइम से निकले हैं, तो आज हमारे पास में 38 घंटे और भाई किलोमीटर अपने पास में 1400। ये लड़का चाय पी के हो रहा है मस्त। तो भाई ये मार्केट है। जय श्री राम। गणपति बाबा मोरिया। तो गाइस जाती भाई हम 40 ग्राम से पहले, और ये फाटक है उस वाले फाटक पे। और भाई टायर वगैरह भी हो गए चेक अपने। तो भाई ये देखो ये वाली गुड्डी दिख रही है, इतना खतरनाक मतलब यहाँ पे रोड बना हुआ है भाई। ट्रैफिक चेक कर लो। उठा दे भैया उठा ले। तो गाइस आज बज रहे हैं हमें यहाँ पे 11 भाई। ये देखते हैं पीछे जाम लग गया हमें वहाँ पे। तो दोस्तों ये देख लो भाई जाम। और ये है भाई कौन सा घाट है ये पता नहीं है अभी हमें, बहुत पीछे तक लाइन लगी है। और आगे भी देखो। तो दोस्तों अभी आ गया भाई मैं धूलिया। और भाई ये नासिक इंदौर हाईवे पे। तो अभी यहाँ से इंदौर है भाई 265 किलोमीटर। और शिरपुर है 62 किलोमीटर। तो मैं शिरपुर के आसपास से डीजल डलवाऊंगा गाड़ी में। अभी टाइम हो रहा है भाई रात के 1 बज रहा है। ये भाई शिरपुर 62
इंदौर 262, आगरा 863। और भाई इस साइड में ना पूरी रोड की है वाट लगी हुई है। क्या रोड है यार, सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे खराब रोड महाराष्ट्र। पता नहीं कब इनके सही होने की बारी आएगी। गाइस आपने अपना सफर काफी है, अभी नियंत्रण आपका, सुरक्षा आपकी। तो भाई नियंत्रण कहाँ से करे, रोड तो सही करके दो फिर नियंत्रण करे ना। रोड ही ऐसे मिलेंगे तो कहाँ से हमारी सुरक्षा हो पाएगी। सो गाइस अपनी गाड़ी में डीजल की सुई भाई धीरे धीरे आ रही है नीचे। शेरपुर से भरवाऊंगा तो दिल्ली से वापस खाली करके वापस हरियाणा बॉर्डर पे आ जाऊंगा, जहाँ से मैं डीजल लेता हूँ हर बार। तो चलते हैं दोस्तों, रखते हैं पर सब अपना सफर कंटिन्यू। ओ भैया देखो खड्डे, ऐसे खड्डे हैं पता भी नहीं लगता कहाँ पे खड़े हैं यार। क्या शुक्र है भाई बारिश नहीं है, नहीं तो पता नहीं कितनी गाड़ियाँ खड्डों में गिर गिर के ना खराब हो जाए या कोई हादसा हो जाए। शेर खान उठ गया, घोड़ी चढ़ेगा अभी बेंद पे बैठूंगा भाई। बेंद पे नहीं रे, बेंद ही है भाई। अभी मेरे को चढ़ना है टप्पल घोड़ी पे। घोड़ी पे बोल, बेंद पे बैठ रहा है। अरे तो मैं थोड़ा सापा ओपा पांग लेता हूँ भैया। घोड़ी चढ़ना है ना मेरे को, सब बज के रेडी हो जा। जाते जाते चाय तो ले लू, अभी चाय आगे लेना। तो भाई अपना शेर खान हो गया रेडी घोड़ी चढ़ने के लिए। अब ये चढ़ेगा घोड़ी और मैं उतर गया घोड़ी से। ये काम क्या करते हो? ओ काम करा हमें, देख लो पसंद आओ तो, पसंद आओ तो देख लो। तो गाइस अभी ले रहे हैं भाई डीजल यहाँ से शेरपुर से 20 किलोमीटर। और ये भाई इंडियन का पंप है, किस नाम से है भाई जी पंप? नहीं वैसे नाम खुशी पेट्रोल पंप, खुशी पेट्रोल पंप, खुशी पेट्रोल पंप है भाई यहाँ से। तो ये भैया अभी सो के उठे हैं, इनकी नींद हो गई डिस्टर्ब भैया की। पहले दूसरे भाई थे वो अभी गए रेस्ट करने। और भाई इसके जस्ट सामने भी इंडियन का पंप है, तो दोनों आमने सामने ही है पंप। तो क्या हो गया नरेश भैया, हाँ? तो भाई जब भी यहाँ से बॉर्डर तकरीबन 40-45 किलोमीटर है भाई। तो अभी नरेश चलाएगा गाड़ी और मैं करने वाला हूँ रेस्ट। अपनी गाड़ी में डीजल आ गया 200।